सबसे पहला प्रिपरेशन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें दो चीजें हमें आती है कि हाइड्रोजिनेशन क्या है और नेक्स्ट है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन जो टेट्रावेलेंट होता है उसकी टेट्रावेलेंसी फुलफिल ना हो, जैसे कि अल्कीन में जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जैसे अल्काइन में होता है, तो वो क्या बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है, जहां पर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करें, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और हाइड्रोजिनेशन को हाइड्रोजन के ऐड करने का हम लोग और दूसरा एक नाम देते हैं रिडक्शन। तो ये भी याद रखिएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन क्या है, सेम है। तो जहां पर भी जो नेम रिएक्शन आएगा, यानी कि जिस साइंटिस्ट ने ये प्रिपरेशन दिया उसके नाम पे, उनके नाम पे उस रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है, तो जहां भी जो नेम रिएक्शन आएगा हम लोग प्रिपरेशन में या केमिकल प्रॉपर्टीज में वही के वही करते जाएंगे। तो जब हम लोग हेटरोजीनस हाइड्रोजिनेशन कराते हैं अल्केन या अल्कीन का इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम प्लैटिनम और निकेल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेवेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन कहते हैं। ये क्या है, सेवेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन जो है एक हेटरोजीनस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन है। अब हेटरोजीनस क्या होता है, अगर जो रिएक्शन हम कराएं उसमें जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर के सारे कंपोनेंट हो अगर सेम फेज में होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस। और अगर एक से ज्यादा फेज में हो, वन से ज्यादा फेज में, एक से ज्यादा फेज में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस। तो इसमें क्या होता है, चूंकि ये पीटी पीडी और निकल ये मेटल हम लोग सॉलिड में यूज करते हैं तो डिफरेंट फेज हो गया, और अल्कीन या अल्काइन जो होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो लिक्विड में होगा, तो टू फेज में हो गया। तो ये रिएक्शन जो है इसे हम लोग हेटरोजीनस हाइड्रोजिनेशन भी कहेंगे। अब इस रिएक्शन में सेवेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन में क्या होता है, अल्केन और अल्कीन जो होता है वो अल्काइन और अल्कीन जो होता है वो अल्केन में कन्वर्ट कर जाता है। इसके लिए हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होते हैं पीटी पीडी और निकेल। ये जो रिएक्शन है सेवेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, देखिए अल्कीन के लिए अगर हम लोग बोले तो C डबल बॉन्ड C H H, इसका हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, यानी कि हाइड्रोजन ऐड कर दें, और किसके प्रेजेंस में, PT PD और निकेल के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये जो है कन्वर्ट कर जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा, अल्केन यानी कि इथेन का फॉर्मेशन होगा। इससे हमें एक बात और समझ में आ रही है कि इसका यूज करके हम लोग मीथेन को नहीं फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेंबर जो होगा ये इथीन ही हो सकता है अल्कीन का, और ये सेम रिएक्शन हम लोग अल्काइन के साथ भी करा सकते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी करा सकते हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा और यहाँ केवल क्या होगा, H2 जो होगा वो, यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ दो लेना होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जो है ज्यादा है, और इसे हमें क्या में कन्वर्ट करना है, इसे हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे टेम्परेचर जो रेंज होगा वो 473 केल्विन टू 573 केल्विन होता है, और क्या फॉर्म करेगा, सी सी और से मीथेन यहाँ भी फॉर्म कर जाएगा। अब इसके केस में देखिए अल्कीन के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कौन से, सी एच वाले, और एक जो सी सी डबल बॉन्ड है यानी कि एक पाई बॉन्ड जो ये वाला है वो क्या होगा, वो ब्रोक टूट जाएगा, जिसके कारण जो ये रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। ये भी रिएक्शन कैसा होगा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब ये सेम जो हम लोग सेवेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन कराते हैं वैसा ही एक और हाइड्रोजिनेशन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ। वो जो रिएक्शन है वो होता है होमोजिनस
हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि वहां पे जितने भी जो हमारा रिएक्टेंट होगा और जो कैटलिस्ट होगा वो दोनों के दोनों लिक्विड फेज में यानी कि सेम फेज में रहते हैं, जिसके कारण उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजिनस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और ये भी क्या है, एक तरह से ये भी रिडक्शन है, किसका, ये भी रिएक्शन जो है ये एक रिडक्शन रिएक्शन है अल्की और अल्काइन का। इसमें अंतर सिर्फ ये इतना ही है कि यहाँ पे जो हम लोग मेटल को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज करते हैं। जो ये विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो होता है ट्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फी क्लोरोडियम वन। इसका फॉर्मूला अगर यानी कि ये क्या है, एक तरह से एक रुहेडियम का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है RHCl(PPH3)O3। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ PPH3 जो है रुहेडियम के साथ रहेगा और एक क्लोरीन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहेगा। तो ये क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट है। अगर हम लोग सेम इस रिएक्शन में क्या करें अल्कीन के साथ, अगर यूज कर ले विल्किंसन कैटलिस्ट को यानी कि RHCl(PPH3)O3 को, तो क्या होगा, सेम यही प्रोडक्ट हमें मिलेगा, इथेन मिल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। हाइड्रोजिनेशन किसे बोलते हैं, हाइड्रोजन के ऐड होने का हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और क्या हो रहा है, इसका अल्कीन जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन में। रिडक्शन हाइड्रोजन के ऐड होने को हम लोग रिडक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि अल्कीन या अल्काइन का जो सॉल्यूशन होता है उसको स्लाइटली प्रेशर में सेक करते हैं टेस्ट ट्यूब में लेके, और स्लाइट प्रेशर थोड़ा हाई रखा जाता है, हाइड्रोजन को उसमें ऐड किया जाता है, और ये जो है ये जो निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम कोई भी तीनों प्लैटिनम या प्लैटिनम या निकेल तीनों में से किसी एक को हम लोग उस कैटलिस्ट को उसमें डाल देते हैं और सेक करते हैं, जिससे हमें ये क्या होता है, ये अल्केन जो है मिल जाता है। ये क्या है, इथेन है। इसमें क्या करना है, सिंपली अल्कीन या अल्काइन को लेते हैं, अल्काइन भी ले सकते हैं हम, और उसके साथ विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज करते हैं सेम कैटलिस्ट को, और हमें अल्केन मिल जाता है। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग सेबेटियर या सैंड्रेंस रिएक्शन नहीं बोलते हैं। सेबेटियर सैंड्रेंस रिएक्शन क्या है, ये वाला रिएक्शन है। तो कहीं पर भी अगर आपको एग्जाम में आता है कि अगर निकल प्लैटिनम या प्लैटिनम को यूज करके अल्कीन से जब हम अल्केन बनाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो वो क्या है, सेबेटियर है, सैंड्रेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन के बारे में